ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक हारा वो मुकाबला भारत को जिताने के बाद केएल राहुल ने बड़ा बयान दिया है। मैच के बाद जो कहा मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलने के बाद उसे सुनकर देखकर हर कोई हैरान रह गया और आप भी करेंगे केएल राहुल को दिल से सलाम। जी हम बात कर रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप 2023 के उस महामुकाबले की, जिस मुकाबले से टीम इंडिया भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस महामुकाबले के साथ आगाज हुआ है। और सही मायनों में देखें तो वर्ल्ड कप का आगाज अभी हुआ है और पिछले कुछ समय से केएल राहुल ने जो बल्लेबाजी करी है वो टीम इंडिया के लिए काबिले तारीफ है। वो केएल राहुल जो एक वक्त पर टीम इंडिया की इस प्लेइंग 11 में जगह ही डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन श्रेयस अय्यर की चोटिल हो जाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उनकी टीम में जगह बनी और उसके बाद ऐसी बनी कि वो लगातार हाफ सेंचुरी और सेंचुरी लगा रहे हैं। और उसके बाद अगर आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका बल्ला न चलता उस सिचुएशन में जहां 2 रन पर 3 विकेट गंवाना, केएल राहुल का आना, पारी को संभालना, 97 रन की वो पारी खेलना, कोहली के साथ वो मैच्योरिटी दिखाना, एक अलग ही लेवल का टीम इंडिया ने खिलाड़ी पैदा किया है और वो केएल राहुल है। मैच के बाद जब उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला तो वो भावुक होते हुए नजर आए और फिर जो उन्होंने कहा ना उसे सुनकर देखकर आप भी उन्हें दिल से सलाम करोगे। चलिए बताते हैं आपको मैच के बाद केएल राहुल ने क्या कहा इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी केएल राहुल के फैन है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और कमेंट में बताएं इस मुकाबले में आप किसको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देना चाहते थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं ना कि किस तरह से मुकाबला पलटा। पहले जानते हैं कैसे भारत ये मुकाबला हारने के कगार पर था और केएल राहुल और विराट कोहली की उस पारी ने कैसे पूरे मैच को पलट दिया और उसके बाद आपको बताएंगे मैच के बाद केएल राहुल ने क्या कहा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 199 रन बनाए और टीम इंडिया के सामने 200 रन का लक्ष्य खड़ा कर दिया। वैसे हम आपको बता दें कि टीम इंडिया की गेंदबाजी ने अच्छा काम किया था। स्पिन डिपार्टमेंट में चाहे कुलदीप यादव हो 2 विकेट चटकाए, जडेजा 3 विकेट चटकाए, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को 200 रन के अंदर ऑल आउट करना बहुत काबिले तारीफ है इंडियन गेंदबाजी की। गेंदबाजी का काम हो गया लेकिन इंडिया की बल्लेबाजी के ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। टीम इंडिया में शुभमन गिल नहीं थे तो ईशान किशन आए। पहला विकेट ईशान किशन के रूप में जल्दी लगा, ईशान किशन खाता ही नहीं खोल पाए और दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली के सामने खेल रहे थे रोहित शर्मा, लेकिन रोहित के साथ वो घटना की वो भी LPW का शिकार हो जाते हैं। DRS तो लेते हैं लेकिन एम्पायर्स कॉल के चलते रोहित शर्मा को भी बाहर बैठना पड़ता है। 2 रन पर भारत का दूसरा विकेट। उसके बाद आए श्रेयस अय्यर, लगा कि पारी को संभालेंगे लेकिन बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में डेविड वार्नर को कैच दे बैठे और ये भी अपना वो जो खाता नहीं खोल पाए। 2 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद आए केएल राहुल ने मैच्योरिटी दिखाई, पारी को विराट कोहली के साथ बिल्ड किया। विराट कोहली का कैच जरूर छूटा था लेकिन वो पारी कमाल की थी। विराट और केएल राहुल ने 150 रन से भी ज्यादा की पार्टनरशिप। विराट आउट हो गए लेकिन केएल राहुल ने उस मैच को खत्म किया। मैच खत्म करने के बाद जो 97 रन की पारी केएल राहुल ने खेली उसके बाद उन्होंने एक बहुत बेहतरीन बयान दिया है। चलिए आइए आपको बताते हैं उस बयान में उन्होंने क्या कहा। विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल चूंकि मैदान पर जब आए तो उनके सामने विराट कोहली खड़े थे, रन चेज मास्टर और बहुत बड़े खिलाड़ी। और उन्होंने मैच के बाद कहा, केएल राहुल ने कहा कि विराट ने शुरुआत से ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, मैं तो बस नहाया था और उम्मीद कर रहा था कि फील्डिंग के बाद आधे घंटे तक अपने पैरों को आराम दूंगा, लेकिन मुझे मैदान पर आना पड़ा क्योंकि मेरी टीम को उसकी ज़रूरत थी और शुरुआत के 2-3 विकेट जल्दी लग गए। विराट ने कहा कि मुझे कुछ समय के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए, विराट की वो सलाह मेरे काम आई और मैंने टीम के लिए वही किया। शुरुआत के कुछ मैचों के लिए मैंने टेस्ट क्रिकेट को अपनाया और वो टीम को उसकी ज़रूरत थी। टीम को जिस सिचुएशन में जिस तरह की बल्लेबाजी की ज़रूरत होती है आप वैसी करनी चाहते हैं और जब आप करते हैं तो आप उसके लिए बेहद खुश होते हैं। जब ज़रूरत पड़े ओपनिंग पेयर में तो मैं बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, मैं अगर फिनिशिंग की बात करूँ तो मैं वो भी तैयार, विकेट कीपिंग तैयार। पहले इतनी लंबी विकेट कीपिंग करना और उसके बाद बल्लेबाजी करना, लगभग 100 ओवरों के खेल में केएल राहुल खुद को रनिंग में रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि एक अच्छा क्रिकेट विकेट था, दक्षिण भारत में खासकर चेन्नई में आपको यही मिलता है। केएल राहुल अपने शतक से चूके उसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट तो मारना चाहता था लेकिन मैं 4 रन बनाना चाहता था, 6 नहीं। अगर 4 बनाता तो शायद मैं 95 रन पर आता और फिर मैं छक्का लगाकर शतक पूरा कर सकता था, लेकिन कोई नहीं, मैं अगले मैच में शतक बना लूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनका वो बयान कि जब मैं मैदान पर आया तो विराट की सलाह मेरे काम आई, विराट ने कहा वो टेस्ट क्रिकेट को अपनाओ, तो कहीं ना कहीं विराट की वो सलाह मेरे काम आई, विराट ने जिस तरह की पार्टनरशिप करी वो काम आई। केएल राहुल का यही बयान सबका दिल छू गया और उन्होंने अपनी इस पारी का श्रेय विराट कोहली को दिया। क्या आप भी देते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी क्या कहना है आपका इस मुकाबले के बारे में।